फेक वीडियो चली है, उसको देखकर कोई भी अंडा फोड़ता है, 3 अंडे खरीदता है, उसको फोड़ के उसकी झिल्ली निकालता है और बोलता है कि अंडा प्लास्टिक का है। तो गाली गलौज भी कर देते हैं, कुछ हाथों से हाथ भी उठाने आ जाते हैं। उन लोग सर मानसिक रूप से इतने टॉर्चर किए जा रहे हैं, इसके लिए हम लोग डिसीजन लिया है कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे। जब तक हमारे को कोई इसका समाधान नहीं निकलेगा तब तक हम लोग दुकानें अपनी बंद रखें। हम लोग 2 दिन से लगातार हर दुकानों पर जाके जहाँ जहाँ से कॉल आ रहा है वहाँ हर जगह हम पहुँच के हर जगह मैटर सॉल्व कर रहे हैं। अभी स्ट्राइक नहीं करेंगे तो कल ऐसा होगा क्या? मतलब ये जो एक फेक वीरल वायरल हुआ तो हमारा एक जो असली जो हम लोग को जो प्रॉब्लम है ये भी तो वायरल होना चाहिए किधर? कुछ लोग हैं जो ये फेक वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि भाई अंडा प्लास्टिक का है, उसी तरह हमें पब्लिक का सहयोग चाहिए। नमस्कार, हाजी सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने एक ऐसी खबर को लेकर जिसे वायरल हो किया जा चुका है पूरे महाराष्ट्र में, कह सकते हैं खासकर मुंबई की तरफ। लेकिन इस वायरल खबर में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन व्यापारियों को जिनकी जीविका चलती है इससे। वो जो विषय है वो है अंडे का। अंडे को एक किसी व्यक्ति ने उसे फोड़ा, उसमें एक परत निकली, उसे एक प्लास्टिक का नाम दे दिया गया और वो वीडियो वायरल होते होते इस तरह का बूमर बना कि वो अंडा प्लास्टिक है, वो अंडा फेक है, तमाम तरह के आरोप लगे। हमारे साथ उपस्थित हैं काशिफ अंसारी जी, उपस्थित हैं एग एसोसिएशन है उसके उनमें जो सदस्य हैं या डीलर कह सकते हैं उनमें से आप भी हैं। हम बातचीत करेंगे कि इस पूरे विषय पर FDI की रिपोर्ट क्या है, इनका कहना क्या है और किस प्रकार से ये वायरल वीडियो से इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि पीछे एक आपको बैनर दिख रहा होगा बंद बंद बंद, इसमें इन्होंने कल से यानी ठीक कल सुबह जब होगी तो पूरे वसई तालुका के आसपास के जो अंडा व्यापारी हैं वो अपनी दुकान को इसलिए बंद करेंगे क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं इस तरह के वायरल वीडियो से आने वाले सवालों का। लेकिन उन सवालों का जो बार बार जनता इनसे आकर या खरीदार आकर इनसे पूछ रहे हैं वो हम इनसे सवाल कर ही लेते हैं और जानते हैं आखिर हकीकत क्या है, क्या है बात जिस तरह से ये मामला पूरी तरह फैल चुका है वीडियो में कि अभी जो अंडा आ रहा है मार्केट में उसके अंदर प्लास्टिक है और उस अंडे को खाने से बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है, उन्हें कैंसर हो सकता है, इस तरह क्या आरोप लग रहे हैं, क्या कहना है आपका इस पर? इस पर सर हमारा यही कहना है कि जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये सब बेबुनियाद और गलत जवाब है सभी सर ये। और ये जो सिर्फ एक रूमर एक अफवाह फैलाई गई है वो एक व्यक्ति ने कांदीवली के अंदर चारकोप में वहाँ पर वो उसको अंडे मिले, अंडे वो ख़रीदता था वहीं से रेगुलर, वो उसको ऐसा डाउट आया कि ये प्लास्टिक है, उसको ऐसा फील हुआ, उसको फील हुआ ऐसा तो उसने ये चीज़ का क्या करा, उसने इसका मुद्दा बनाया और उसने क्या करा उस चीज़ को वीडियो को वायरल कर दिया कि ये प्लास्टिक अफवाह है। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हो, आपको वीडियो वायरल नहीं करनी चाहिए, कि आपको अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन पहले उस चीज़ को प्रूव होने देना चाहिए कि ये रियल है कि रॉन्ग है, उसको ये डिसाइड करना चाहिए। उन्होंने फिर केस किया, फिर वो बात जो है पुलिस स्टेशन में गई, वहाँ चारको पुलिस स्टेशन के अंदर गई, वहाँ पर चारको पुलिस स्टेशन वालों ने वहाँ पर जो हमारे अंडे वाले हमारे व्यापारी थे उनको उन्होंने बुलाया, वहाँ पर उनको जमा किया, उन्होंने अंडे की गाड़ी जमा की, उसके बाद फिर वहाँ से वो अंडे गए FDI डिपार्टमेंट के अंदर। FDI ने उसको अगले दिन ही उसको क्लियर कर दिया, हमको रिपोर्ट ये दे दी कि जो भी अंडा वहाँ फूड डिपार्टमेंट में गया था वो सब अंडा क्लियर है। और जब ये क्लियर रिपोर्ट उनको मिल चुकी है तो जिस बंदे ने ये अफवाह फैलाई थी उसका ये फ़र्ज भी बनता है कि भाई हमें क्लियर रिपोर्ट मिल चुकी है। ये प्लास्टिक क्या है एक्चुअली? ये प्लास्टिक कुछ नहीं है, कस्टमर को सिर्फ ये गुमराह करा जा रहा है। गुमराह किस तरह से हो रहे हैं कि एक वीडियो के अंदर उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि अंडे के अंदर की ये जो झिल्ली उसको जिसको प्लास्टिक कह रहे हैं उसको हम झिल्ली कहते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, जो झिल्ली है हम उसको कह सकते हैं। वो किसी भी अंडे के अंदर आप विरार से नहीं, आप बॉम्बे से नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान से, आप कहीं भी किसी इंडिया लेवल पर आप कहीं से भी अंडा खरीद लीजिए, हर अंडे के अंदर वो झिल्ली होनी ही है। आप चाहे गावटी अंडा लीजिए, चाहे आप इंग्लिश अंडा लीजिए, चाहे बतख का अंडा लीजिए, चाहे आप मगरमच्छ का, किसी का भी अंडा आप ले लीजिए, हर अंडे के अंदर वो आपको झिल्ली मिलेगी ही, जिसको कस्टमर ये कह रहा है कि ये प्लास्टिक है, कस्टमर वो चीज़ से गुमराह हो रहा है। ये बात FDI प्रूफ कर चुका है कि इससे कोई नुकसान नहीं। कईयों का कहना है कि वो झिल्ली जलाई जाती है, क्योंकि वायरल वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहा जाता है कि वो झिल्ली जब जलाई जाती है तो अजीब तरह की स्मेल आती है जिसे जैसे जानवर मर चुका है और उसको खाने से बच्चों को कुछ भी हो सकता है, कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं।
सर ये सब क्या है ना, देखिए अभी क्या हो गया है ना सर, एक कोई भी जो अफवाह, जो गलत अफवाह होती है ना, वो जल्दी माइंड के ऊपर इफेक्ट करती है। अभी मैं नॉर्मल सी बात कहता हूँ सर, आपकी एज अगर 25 या 20 जो भी आपकी एज होगी, 25 साल से आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि अंडे की जो झिल्ली हम उसको जलाएंगे उसमें चढ़ी हुई स्मेल आएगी, या उसकी स्मेल क्यों नहीं आ रही है, या झिल्ली प्लास्टिक क्यों नहीं आया? ये इसलिए अभी आ रहा है क्योंकि एक सिर्फ एक वीडियो आपने देख ली है, उसमें आपको दिख रहा है कि ये उसने वो बता दिया कि ये प्लास्टिक है। इसके पहले कभी इसको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि प्लास्टिक हो सकती है? हम सर नॉर्मल सी बात है, हम कोई भी मूवी अगर देखें हमारे माइंड में सेट होता है कि मूवी पूरी हमारे को याद होती है। कहीं ना कहीं ये फेक है और इस तरह का वायरल 100% सर, 101% करना पड़ रहा है सर। परेशानी सर इतनी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है कि दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक इतने केस हमारे पास आ रहे हैं, परेशान हो चुके हैं। कल भी विरार पुलिस स्टेशन में हमारे पास केस पहुंचा, वहाँ के हमारे जो इंस्पेक्टर साहब थे विनय साहब हमारे वहाँ के सर थे, उन्होंने हमको बहुत अच्छा कॉपरेट किया, हमारे कस्टमर को हैरेसमेंट किया गया, उन्होंने उसको भी बुलाया, सामने वाले को समझाया सब, उन्होंने भी ये बात क्लियर करी कि ये चीज़ एकदम फेक है, इसके अंदर कुछ जरूरत नहीं जाने। कल आप लोग बंद का ऐलान कर चुके हैं, कल आप बंद कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं और कैसे कब तक करते रहेंगे, क्या न्याय चाहिए आपको? सर बंद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इतनी मेहनत से, हम अंडा ये यहीं से नहीं आता सर, हैदराबाद मिनिमम हम यहाँ से 800-900 किलोमीटर पड़ता है सर, इतनी दूर से अंडा आता है, गाड़ी रास्ते में फूट जाए, अंडा कूद जाए, सब रिस्क हमारा होता है। इतनी मुश्किलों के बाद हम सामने वालों को अंडा, कस्टमर को हम अंडा सप्लाई कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सर क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर तोहमत लगाई जा रही है कि आप अंडा, अभी कोई भी एक छोटा 6 अंडे वाला लेने वाला भी आगे फोन करता है प्लास्टिक अंडा है। दिन भर में मेरे पास 50 कॉल आ रहे हैं सर, कहीं पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है, कभी किसी के नगर सेवक से फोन आ रहा है सर, परेशान हो चुके हैं हम इस बारे में। तो हम बंद इसीलिए कर रहे हैं सर कि बंद करें और सबको ये बताएं कि सर ये अफवाह है, जब 3 दिन मार्केट में अंडा नहीं जाएगा तो उनको समझ में आएगा अंडा क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है कि हम परेशान ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जब तक आप वहाँ, आपको जनता की तरफ से और प्रशासन की तरफ से शांति और आपको व्यापार करने में समस्या नहीं होगी, तब तक आप व्यापार में नहीं उतरेंगे। जी ज़रूर, धन्यवाद। लगभग सारी बातों में एक बात तो साफ है कि FDI ऐसे ही रिपोर्ट नहीं बनाता, पूरे भारत में FDI की रिपोर्ट पर पूर्ण विश्वास किया जाता है, वो एक सिस्टम के तहत होता है, एक प्रोसेस होता है। एक बात, FDI की रिपोर्ट साफ कह रही है कि ऐसे अंडे बिल्कुल भी प्लास्टिक या कहीं अलग तरीके से बने हुए नहीं हैं, उन अंडों को आपको जो पहुंचाया जा रहा है वो सही है। ये बातें जब साफ़ हैं तो उन वीडियो पर विश्वास क्यों किया जा रहा है? इस तरह की बूमर वीडियो से हमें बचना चाहिए और वायरल वीडियो को कहीं ना कहीं रोक कर हमें सही दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि इससे उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, खासकर आम जनमानस को भी और उन लोगों को भी जो इसके व्यापार से अपनी जीविका चलाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर से मेरा अनुरोध है, फेक वीडियो पर रोक लगाएं और सही दिशा में जानकारी बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।